तो राम राम सर सभी को, खंबा घनीसा राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत और मेरा अलवर। अलवर की शान आज कुछ अलग ही नज़र आ रही है मुझे। मैं अभी अग्रसेन से निकला हूँ और अग्रसेन से ये पूरे अलवर में कई जगहों तक जा चुकी है। इस तरीके से हर पोल को एक तिरंगे की लाइट के साथ मर्ज किया गया है, लगाया गया है, और इससे पता चलता है कि हमारा जो सुंदरता है वो कितनी अच्छी है। अलवर में ये चीज़ें देख के लगता है कि वाकई में हमारा जो देश है वो तरक्की पर है, हमारा जो शहर है वो तरक्की पर है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखी है सजावट यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से मैं रह रहा हूँ। इस तरीके से इतने सारे पोल को इस तरीके से देखो, कितनी अच्छी लाइन दिख रही है यहाँ से तिरंगा की। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस इसमें गुम हो जाऊँ, इसमें लिपट जाऊँ। बहुत ही शानदार, और ऐसे ही मैं आगे तक चलता रहूँगा, पूरा कवर करना है मुझे। ये वेस्टिंग तक जा रहा है, तो ये पुल तो मैंने पार कर लिया है। अब भगत सिंह ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 मीटर की डिस्टेंस पर है। और आप लोगों को कैसा लगा? है सराहनीय काम है? आपको लगता है कि इससे भी बेटर हो सकता था? तो अपनी राय ज़रूर दें हमारे शहर अलवर के लिए, हमारे देश भारत के लिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और ये जो स्ट्रीट्स होती है ना, जैसे ये सैनी वाले भैया जो सोलर पैनल से चाय बनाते हैं, ये स्ट्रीट फूड का भी जो आनंद है ना भाई, वो तो अपने भारत शहर में ही मिल सकता है आपको। इस तरीके से कोई मतलब, वरना जो डेवलपिंग रेस हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउड हैं। मैं जा रहा हूँ भगत सिंह से अपने घर की तरफ, और इस फीलिंग वेरी गुड, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आपको कैसा फील हो रहा है बेसिकली यहाँ पर आकर, इस तरीके की लाइटनिंग देखकर? अपने कमेंट ज़रूर करें वीडियो के नीचे। और मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, सीरियसली काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ऐसी लाइटनिंग इंडिया में कहीं और भी हो रही है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो ऐसा सच में ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहीं मतलब अलग ही लेवल पर पहुँच गए हैं, अलग ही लेवल फील कर रहा हूँ। और ये सामने हमारा है अंबेडकर सर्किल, इससे आगे भी कर रखी है इन्होंने, मतलब मेन सिटी जो है वो तो पूरा ही कवर कर रखा है। तो बाकी लोगों से मैं यही पूछना चाहूँगा, ज़्यादातर मेरे ब्लॉग जो डेली एक वीडियो का मोटिव रहता है वो यही है कि मतलब मैं एक रोज़ फूड ब्लॉग डालता हूँ, एक रोज़ कहीं ना कहीं किसी की फूड की वीडियो, वो भी स्ट्रीट फूड की वीडियो डालता हूँ, ठीक है? तो वो आपको कैसे लगते हैं, या फिर ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं जो अभी मैं बना रहा हूँ, या फिर सारे ही ब्लॉग अच्छे लगते हैं? ये वीडियो आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे देख रहे हैं, और अभी देखो हम कितने बज रहे हैं। मैं अभी मंदिर से घर आ रहा हूँ, 9:05 हो रहे हैं, और 30-40 की स्पीड से चलता हूँ सिटी के अंदर, यही मेरी एवरेज स्पीड होती है, 30 मान लो एवरेज स्पीड, 30 से 35। तो देखो जैसे अभी तो 20 के आसपास ही है, क्योंकि इसमें सेफ भी करता हूँ और अच्छा भी फील होता है, और अलवर के नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं। और ये सब इस कैमरे की वजह से जो मेरे पास है, आप सबकी कृपा की वजह से, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं और उनसे थोड़ा सा चल जाता है काम। मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा आता है इस काम में। आपको पता है ये जो इंडियन ऑयल का ये जो जेल के पास खुला है, ये सारे कैदी हैं, सब यहाँ पर कैदी काम करते हैं आई लव इंडियन ऑयल के अंदर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हम अलवर शहर में अपन एक ऐसी चीज़ भी देख रहे हैं जहाँ कैदी काम कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर।
और अभी जो नेक्स्ट सर्किल है वो ये है अपना जेल सर्किल। तो अब ये जो लाइटनिंग है यहीं एंड हो जाती है, उसके बाद ये लाइटनिंग स्टार्ट होती है। मैं आपको बताता हूँ, इससे राइट ले लेता हूँ, वैसे मुझे जाना तो सीधा है लेकिन राइट ले लेते हैं। देखो राइट लेने के बाद यहाँ पे आपको कोई लाइटनिंग दिखाई देगी, खंभे हैं, एक पोल दो पोल, हाँ ये जो क्रॉस पॉइंट में उन्होंने झूला लगा है इस पर ज़रूर लगा दी है गवर्नमेंट ने लाइट, तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं लोग। उसके बाद यहाँ से चलते हैं तो यहाँ के पोल पे लाइट नहीं है, फिर आगे वाले पोल से लाइट है, वो तो आपको दिख रही होगी यहाँ से। ये बेसिकली अपना तिजारा फाटक का ओवरब्रिज है जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, और इस पर भी पोल पे जो है लाइटनिंग कर रखी है ना, शानदार लाइटनिंग। तो यही है बस, तो है। तो ऑलमोस्ट तिजारा फाटक के लिए जो लाइटनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, दूध मिष्ठान भंडार है ना जो, इधर से ये स्टार्ट होती है और ये पूरे ओवर ब्रिज को क्रॉस करके, और मैं इधर ओवर ब्रिज के नीचे से निकल जाऊँगा। तो राम राम से सभी को, खम्मा गणी जय राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत, जय हिंद। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, मेरा घर तो नहीं है, रेंटेड का है, कभी अपना भी हो जाएगा यही उम्मीद करता हूँ।